जया बच्चन या जयद भादुड़ी बच्चन हिंदी फिल्म सिनेमा की दमदार अभिनेत्री के रूप में जानी जाती रही हैं। होली की बहुत बधाई, आपके चेहरे पे गुलाल कितना खिल उठा है। अपने समय में जया बच्चन ने अपनी एक्टिंग के दम पर पूरे भारत में एक सम्मानीय स्थान बनाया था। जया के अभिनय के करियर की मिसाल दी जाती है। जया बच्चन ने 90 के जमाने में बहुत सी फिल्मों में अनेक रोल किए हैं और इन फिल्मों ने कई पुरस्कारों पर कब्जा भी किया था। जया जी के अभिनय का स्तर इनकी उपलब्धियाँ देख कर लगाया जा सकता है कि इन्होंने 9 राष्ट्रीय पुरस्कारों को अपने नाम किया था। अभिनय के अलावा जया बच्चन ने पॉलिटिक्स में भी अपनी पहचान बनाई है। जया बच्चन जैसी महान अभिनेत्री ने 9 अप्रैल सन 1948 में जन्म लिया था। जया बच्चन के बचपन में इन्हें जया भादुड़ी नाम दिया गया था, जो कि विवाह के बाद जया बच्चन हो गया था। जया जी का जन्म जबलपुर में हुआ था, जो कि पहले सेंट्रल प्रोविंसिंग एंड वेरर राज्य में आता था। भारत की आज़ादी के बाद सेंट्रल प्रोविंसिंग एंड वेरर को मध्य प्रदेश नाम दिया गया। जया बच्चन की स्कूलिंग भोपाल से हुई थी। पहले से जया बच्चन के अंदर लोगों को मैनेज करने का जज्बा था। इस जज्बे का अनुमान लगाने के लिए हम आपको बता दें कि जया बच्चन अपने स्कूल की हेड गर्ल भी रह चुकी हैं। स्कूल की शिक्षा पूरी करते समय ही जया बच्चन को अभिनय करने की प्रतिभा का अंदाजा लग गया था। इसीलिए इन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई के लिए फिल्म एंड टेलीविजन ऑफ इंडिया नामक कॉलेज में पुणे जाना उचित समझा। इतना ही नहीं, इस कॉलेज में एक्टिंग संबंधी कोर्स करके इन्होंने अपनी अभिनय प्रतिभा को सुधारा और इसके अलावा अपनी पढ़ाई के दौरान जया जी को वेस्ट इंडिया NCC कैडेट पुरस्कार मिला था, जो कि 1966 में गणतंत्र दिवस समारोह में दिया गया था। जया बच्चन ने एक बंगाली हिंदू परिवार से संबंध रखती थी। इनके परिवार में माँ बाप के साथ साथ एक बहन भी थी, जिनका नाम रीता वर्मा है, जो कि जया बच्चन की इकलौती बहन है। जया बच्चन के पिता अरुण कुमार भादुड़ी लेखक होने के अतिरिक्त पत्रकार एवं मंच कलाकार भी थे। जया बच्चन की माता इंदिरा भादुड़ी घर को संभालने वाली महिला थी। 3 जून सन 1973 को इन्होंने भारत के महान अभिनेता अमिताभ बच्चन से शादी की। इस जोड़े को 2 बच्चे भी हैं, श्वेता बच्चन नंदा और अभिषेक बच्चन। जया के बेटे अभिषेक बच्चन भी एक बॉलीवुड फिल्मों में काम करने वाले कलाकार हैं। जया और अमिताभ की लड़की श्वेता ने दिल्ली में कपूर परिवार के व्यापारी निखिल नंदा से विवाह किया था, जिसके फलस्वरूप श्वेता एवं निखिल को 2 संतानें भी हैं। इन दोनों बच्चों के नाम नव्या नवेली एवं अगस्त नंदा है। वहीं जया बच्चन के लड़के अभिषेक बच्चन का ऐश्वर्या राय बच्चन से विवाह संपन्न हुआ था और विवाह के कुछ समय बाद अभिषेक एवं ऐश्वर्या के घर में एक पुत्री ने जन्म लिया था, जिसका नाम आराध्या बच्चन रखा गया। जया बच्चन ने बहुत सारी फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा दिखाया है। जया बच्चन को पहली बार एक्टिंग के लिए फिल्म महानगर का ऑफर मिला था। इस बंगाली को सत्यजीत रे के निर्देशन में बनाया गया था। महानगर फिल्म के निर्माण के दौरान जया मात्र 15 साल की एक छोटी बच्ची की तरह थी। सन 1963 में इस फिल्म में जया सहायक अभिनेत्री के रूप में नजर आई थी एवं इनके साथ अनिल चटर्जी और माधवी मुखर्जी ने भी महानगर फिल्म में अभिनय किया था। हालांकि फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन जया ने अपने अभिनय कौशल को साबित जरूर किया था, जिसके चलते फिल्म महानगर को रिलीज होने के बाद जया बच्चन को 2 और बंगाली फिल्मों में अपना किरदार निभाने का मौका मिला, जिन फिल्मों में एक 13 मिनट की छोटी फिल्म सुमन और दूसरी बंगाली कॉमेडी धनी मोए शामिल थी। इतने एक्सपीरियंस से प्रेरित होने के बाद इन्होंने फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में अभिनय सीखने का प्लान बनाया, जिसमें जया बच्चन के घर वालों ने जया बच्चन का बराबर साथ दिया। सन 1971 में जया बच्चन की पहली हिंदी फिल्म गुड्डी ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित और गुलजार द्वारा लिखी गई थी। जया बच्चन के अलावा धर्मेंद्र असरानी भी इस फिल्म में थे और फिल्म जया बच्चन के करियर को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मददगार साबित हुई थी। सन 1971 में इनकी फिल्म उपहार आई, जो कि ताराचंद के राजश्री प्रोडक्शन द्वारा बनाई गई थी। जया के अलावा इस फिल्म के स्वरूप दत्त और कामिनी कौशल ने भी एक्टिंग की थी। 1971 में उपहार और गुड्डी दोनों फिल्मों में एक्टिंग करने के लिए जया को बेस्ट एक्टर के पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। सन 1972 में जवानी दीवानी नाम की एक और फिल्म जया बच्चन को एक्टिंग करने के लिए दी गई। फिल्म जवानी दीवानी में इन्हें एक फैशनेबल औरत का किरदार निभाने के लिए दिया गया था और सन 1972 में ऐसा साल था जिसमें जया बच्चन की 11 फिल्मों को पर्दे पर देखा गया था, जिसमें मुख्य रूप से पिया का घर, परिचय, कोशिश, शोर फिल्में शामिल थी। इस समय जया बच्चन का सभी अभिनेत्रियों के बीच एक अलग ही छवि बन चुकी थी। 1970 के दशक के दौर में ही जया भादुड़ी को भारतीय सिनेमा की सुपरस्टार बना दिया था, इसलिए बॉलीवुड का हर निर्देशन जया बच्चन के साथ फिल्म बनाने के लिए उतावला रहता था और यह इन सब की अभिनय प्रतिभा का वरदान था, जिसके चलते साल 1973 में फिर इनको 5 फिल्में ऑफर की गई, जिनमें प्रमुख अनामिका, फागुन, जंजीर एवं अभिमान जैसी फिल्में शामिल थी।
जया बच्चन द्वारा काफी साल अभिनय के क्षेत्र में बिताने के बाद इनको राजनीति में भी शामिल होते देखा गया था। इन्होंने लोगों की मदद करने के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने का विचार बनाया। पहली बार में चुनाव में जी ही जया बच्चन को भारी मतों से जीत मिली। इनको सन 2004 में समाजवादी पार्टी को राज्यसभा में रिप्रेजेंट करने का कारोबार सौंपा गया था। सन 2004 से लेकर मार्च 2006 तक जया बच्चन ने काफी अच्छा कार्य किया, जिसकी बदौलत जया बच्चन को समाजवादी पार्टी द्वारा फिर से जून 2006 में दूसरी बार जुलाई 2010 तक के कार्य राज्यसभा भेजा गया था। जया बच्चन फिर से तीसरी अवधि के लिए सन 2012 में फिर से निर्वाचित हुई थी और अगले 6 वर्ष तक यानी 2018 तक समाजवादी पार्टी को राज्यसभा में रिप्रेजेंट कर रही थी। साल 2018 में जया बच्चन को फिर से राज्यसभा का सदस्य चुना गया। इनकी लगनशीलता को देखते हुए मध्य प्रदेश की जनता एवं इनकी पार्टी दोनों ही जया बच्चन पर खूब भरोसा जताया है। जया बच्चन हिंदी भाषा प्रेमी है, मात्र भारत की मातृभाषा हिंदी को हमेशा सपोर्ट करती रही है। साल 2008 में फिल्म द्रोणा के म्यूजिक लॉन्च पर जय के दौरान दिए गए भाषण पर महाराष्ट्र के लोगों ने इनकी आलोचना की थी। जब महाराष्ट्र में संगीत लॉन्च पर जया बच्चन को बोलने को कहा गया तो इन्होंने अपनी स्पीच की शुरुआत में कहा गया कि हम यूपी वाले मातृभाषा प्रेमी हैं, हम हिंदी में बात करना पसंद करते हैं, महाराष्ट्र वाले कृपया हमें माफ़ करें। इसके चलते महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों के नेताओं ने जया बच्चन की खूब आलोचना की। शिवसेना के MP संजय राउत ने ऐलान किया था कि जया बच्चन अगर अपने कहे गए शब्दों के लिए माफ़ी नहीं मांगेंगी तो वो फिल्म रिलीज पर रोक लगा देंगे। साल 1972 में उपहार फिल्म के लिए जया बच्चन को फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड मिला था, जो कि इनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड था। उसके बाद साल 1994 में फिल्म अभिमान एवं सन 1995 में कोरा कागज फिल्म बेहतरीन अदाकारी के लिए जया बच्चन को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कृत करके सम्मानित किया गया था। साल 1980 में नौकर फिल्म में जया बच्चन की एक्टिंग को फिल्म फेयर ने फिर से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार देकर सराहा था। इस फिल्म में जया की एक्टिंग देखकर सभी आलोचक की तारीफ करने पर मजबूर हो गए थे। साल 1992 में भारत सरकार का भारत का चौथा उच्चतम नागरिक पुरस्कार पद्म श्री भी इनकी लगन और प्रतिभा को देखते हुए दिया गया था। ये अवार्ड उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिन्हें अपने क्षेत्र में अच्छा खासा मुकाम बनाया हो। चलिए दोस्तों, आपको कैसी लगी है छोटी सी बायोग्राफी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।